बैल बाप है, मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरा कह रहा हूँ, बैल हमारा बाप है, हम हिंदुओं का बाप है बैल, क्योंकि माता की ड्यूटी करती है गौ माता। माता अपनी दूध पिला के अपनी संतान को पालती है, उसका पालन पोषण करती है, लेकिन उस संतान के लिए खेतों के अंदर कंधे से कंधा मिला करके जो कमाता है वो बैल है, इसलिए बैल हमारा बाप है, हमारा कमाऊ बाप है। तो भाई साहब मीडिया वाला से अनुरोध है कि आज के बाद ये बात नहीं बोलिएगा। लगाएंगे गाय हमारी माता है, कल कोई कह दिया कि सांड तो हमारा बाप है, तो ये क्या बात हो? क्योंकि भाई साहब बता दिया ना कि बैल कौन है, बैल बाप है, मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरा कह रहा हूँ, बैल हमारा बाप है, हम हिंदुओं का बाप है बैल। गौमूत्र जिसके अंदर 18 पोषक तत्व होते हैं, ये वैज्ञानिकों ने रिसर्च में प्रूव करा है। भाई साहब अनभक्त को अनुमति दे दिया जाए कि अच्छाई निकालने के लिए, तो गू को भी हलवा बना देगा। अब मैं गोबर की आपको वैज्ञानिकता बताता हूँ, सुन लीजिए गोबर की वैज्ञानिकता बता रहा है। गोबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की रेडिएशन होती है, आज आपका फोन जो है वो रेडिएशन छोड़ता है, आपको आज कैंसर की संभावना है हर एक दूसरे आदमी को, क्योंकि फोन से रेडिएशन निकल रही है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। आप एक काम करना, गोबर भक्त कहते हो ना आप गोबर रखो गाय का और उसके ऊपर फोन रखो अपना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMF रिकॉर्डर जो है ना वो 0 रेडिएशन दिखाएगा। अच्छा भाई साहब इनकी बात सुनने के बाद आप लोग अपना मोबाइल को गोबर में मत ढुका देना। नहीं कहे कि भाई साहब एक कस्टमर हमारे पास आया, बोला भाई साहब ये मोबाइल जो है ना पानी में गिर गया था, तो इसको जो है ना चावल के अंदर डाल दिए थे पर ठीक नहीं हुआ। तो हम बोले वो चावल के अंदर तुम्हारा बाप बैठा हुआ था ठीक करने के लिए, जो ठीक होगा। हम लोग जो है रिपेयरिंग करते काहे के लिए करते हैं हमको नहीं पता। अब जरा यहू बाबा का ज्ञान सुन लीजिए। 2023 में वर्ल्ड कप, इस पर मैं आपको भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ। 19 नवंबर 2023 को वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है और यह मैच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के द्वारा खेला जा रहा है। अब हम बात करते हैं इंडिया का जो न्यूमरोलॉजिकल नंबर है वह 3 है, जिसका स्वामी कल के मैच में एक नया चमत्कार दिखाएंगे, जहां अश्वमेध यज्ञ 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाने वाला मैच में भारत को विजय प्राप्त होगा। सुन लिए ना भाई साहब बाबा जी का बात एक बार सुन लीजिए। 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाने वाला मैच में भारत को विजय प्राप्त होगा। तो बाबा जी पब्लिक को दिख मत जाइयो, नहीं तो आपका भुजिया बना देंगे पब्लिक। हम तुम में इतने छेद करेंगे, बात तो सही है कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से लें और पानी कहां से। अरे मेरे अनभक्तो अभी भी बाबा पर भरोसा है तो तुम्हारी मर्जी है, बाबा तो बोला था इंडिया जीत जाएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई साहब जो जो बाबा पर भरोसा करने वाले वो तो शुरू में वीडियो देख के भाग गया होगा कि बाबा एकदम सही है। बुरा लगा पर कोई बात नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, गोबर का असर जो होता है वो कुछ भी नहीं कर सकता। ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अनभक्तों का इसी पोल खोलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले टाटा बाय बाय गुड।